नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुजीत। स्वागत है आप सबको टेक डायलेट पर। आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि जो डिलीवरी बॉयज होते हैं उनको कंपनीज किस प्रकार से हायर करते हैं और तरीका क्या क्या सब होता है, और सबसे ज़रूरी चीज़ उनको पेमेंट कितना मिलता है। ये सारी ज़रूरी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जिन पे आपको बहुत कुछ जानने को और सीखने को मिलेगा। और सारी जानकारी के लिए वीडियो को आखिरी तक देखना, और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप वहाँ पर जाकर कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम सीधे आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। आज के डेट पर आपको बहुत सारे ई कॉमर्स कंपनीज देखने को मिलेगा, जैसे कि अमेजन, फ्लिपकार्ट इत्यादि, और हर 2-3 महीने में सेल लगती रहती है। और हम सब अपने मनपसंद चीज़ घर पर आराम से बैठकर ऑर्डर कर लेते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जो लड़का डिलीवरी करता है हमारा ऑर्डर क्या हुआ चीज़ वो कितना कमाता है? आज मैं आपको बताऊंगा कि अलग अलग डिलीवरी बॉयज जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजन, मिंत्रा, स्विगी, इनके डिलीवरी बॉयज कितने कमाते हैं। मैं आपको शुरू से ही बता देना चाहता हूँ कि ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं इंटरनेट और यूट्यूब इत्यादि से लेकर आपके सामने डिटेल्स इन्फॉर्मेशन बोलने वाला हूँ, जो डाटा शायद फ्लक्चुएट कर सकता है। सबसे पहले बात करते हैं हायरिंग प्रोसेस को लेकर, यानी कि कंपनी किस प्रकार से अपने डिलीवरी बॉयज़ को चूज करता है। बेसिकली डिलीवरी बॉयज़ को कंपनी 3 तरह से हायर करती है। पहले की बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अपने कुछ डिलीवरी बॉयज होते हैं। इसमें कंपनी का खर्चा भी बढ़ जाता है, उनको टाइम टू टाइम सैलरी देना पड़ता है, बट फिर भी ये प्रोसेस ज़्यादा रिलायबल होता है और ट्रस्टेड होता है, और उनको बहुत सारा इंसेंटिव देना। ज़्यादातर कंपनी डिलीवरी का काम कोई भी दूसरी कंपनीज़ को दे देती है, जैसे कि टीम लीज वगैरह। इसमें ई कॉमर्स कंपनीज़ को डिलीवरी बॉयज़ खुद हैंडल नहीं करना पड़ता है, और डिमांड के अनुसार वो एम्प्लॉयज़ हायर करते हैं, इसलिए ये सबसे कॉमन तरीका होता है। नंबर 3rd में आता है पार्ट टाइम डिलीवरी बॉयज, जिसमें जॉब्स की सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं होती है। आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं और आपको पेमेंट भी पर डिलीवरी के हिसाब से मिल जाता है। ऐसे लोग ज़्यादा फेस्टिवल के वक्त पर हायर करना पड़ता है, क्योंकि फेस्टिवल के वक्त ज़्यादा ऑर्डर्स भी मिलता है और उनको सही टाइम पर उसे कंप्लीट भी करना होता है। नॉर्मली 2 तरह की कंपनीज को ज़्यादा डिलीवरी बॉयज रिक्वायरमेंट होती है। एक तो होती है फूडटेक कंपनी जैसे कि फूड पैंडा, स्विगी, जोमैटो वगैरह, और दूसरी होती है ई कॉमर्स कंपनीज जैसे कि अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह। दोनों कंपनीज के गेन और लॉसेस भी अलग अलग ही होता है। फूडटेक कंपनीज में सिंगल ऑर्डर मिलता है जो कि इंस्टांटली कंप्लीट करना पड़ता है, और उनके डिलीवरी बैग भी हल्के होते हैं। जो लड़के ई कॉमर्स कंपनीज के लिए काम करते हैं उनके बैग 10 से 20 केजी तक हो सकते हैं, और सैलरी भी टाइम पर मिल जाता है। मिंत्रा, जबंग, उन्होंने एक डिलीवरी के लिए एक डिलीवरी बॉयज को 14 रुपया देते हैं, जबकि अमेजन 18 रुपया देता है, और ओवर टाइम का भी अलग पैसा आपको यहाँ पर मिलेगा। फ्लिपकार्ट भी बहुत सारे इंसेंटिव देता है, प्रोविडेंट फंड देता है, पेट्रोल का खर्चा देता है इत्यादि, बट छोटी कंपनीज पर आपको ये सारे फैसिलिटीज देखने को नहीं मिलती। नॉर्मली ऑर्डर डिलीवरी का काम करने के लिए आपके पास अपना खुद का एक मोटरसाइकिल होना चाहिए, एक फ़ोन होना चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ कम्युनिकेशन की, तो लैंग्वेज के तौर पर आपको इंग्लिश, हिंदी और आपका जो लोकल लैंग्वेज है ये अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। नॉर्मली 10th पास की रिक्वायरमेंट होती है, और सैलरी 10,000 से 25,000 तक वैरी कर सकता है। सैलरी जो आपके एक्सपीरियंस और आप कौन सी कंपनी के लिए काम करते हैं ये सब के ऊपर डिपेंड करता है। जब फ्रेशर अपने काम शुरुआत करते हैं तो छोटे कंपनी में तो उनके सैलरी कम से कम 7,000 तक ही होता है। जैसे ही आपका एक्सपीरियंस ग्रो करने लगेगा आपका पेमेंट भी ग्रो करेगा, और उनको इंसेंटिव भी बहुत ही कम मिलता है। अगर उन्होंने अपना टारगेट अचीव कर लेते हैं तो इसमें चांसेस ये बढ़ जाता है कि उनको प्रमोशन जल्दी मिल जाए या फिर बड़े कंपनी में जाने का मौका मिल जाए। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ फूडटेक कंपनीज की, जैसे कि जोमैटो, डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट, उनके डिलीवरी बॉयज को ज़्यादा पेमेंट मिलता है, तकरीबन 10,000 से 12,000 तक। परंतु उनको बहुत सारे अलग काम भी करना पड़ता है, जैसे कि खाना बनाने में हेल्प करना, रेस्टोरेंट को साफ करना इत्यादि। ये लड़के हर दिन 10 से 12 घंटे काम करते हैं और 70 से 80 ऑर्डर डिलीवर करते हैं पर डे। दिवाली के टाइम पर उनको ज़्यादा ऑर्डर डिलीवर करना पड़ता है, और उस टाइम वो ज़्यादा कमाते भी। वो टाइम उनके लिए बहुत अच्छा होता है, परंतु उनको मेहनत भी ज़्यादा करना पड़ता है। इसमें हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनता है कि हम सब उन्हें रिस्पेक्ट देना चाहिए और उनका वक्त फालतू में वेस्ट नहीं करना चाहिए। उन्हें भी अपना घर को संभालना पड़ता है और घर के लिए टाइम निकलना पड़ता है।
बहुत बार अगर प्रोडक्ट खराब भी होता है तो हम क्या करते हैं, हम उनको गाली देते हैं, जबकि इसमें उनका कोई गलती नहीं होता है, क्योंकि उनका काम सिर्फ प्रोडक्ट को डिलीवर करना होता है, क्योंकि हर कंपनीज में पैकेजिंग, मार्केटिंग, डिलीवरी, हर डिपार्टमेंट अलग अलग ही होता है। हम तो सिर्फ फ़ोन में ऑर्डर कर लेते हैं, परंतु उनको धूप में भी और बारिश में भी उस प्रोडक्ट को हमारे तक पहुंचाने का रेस्पॉन्सिबिलिटी डिलीवरी बॉयज़ का होता है। मैं मानता हूं कि उनको इसलिए पेमेंट मिलता है। अगर आप कुछ पैसे ऐसे भी उनको दे देते हैं तो आपको और उनको दोनों को खुशी मिलेगी, और हो सकता है तो आपको आपका प्रोडक्ट मिलने के बाद फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि आप कैसे ये नौकरी कर सकते हैं। देखो, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप इसे आज ये पार्ट टाइम लेकर चल सकते हो, जैसे कि क्या होगा कि आपको पढ़ाई के लिए भी वक्त निकल जाएगा। अगर आप एक स्टूडेंट नहीं हो तो आप इसे आज ये फुल टाइम कैरियर भी ले सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि हायरिंग 3 तरीके से होता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। सबसे कॉमन वाला जो तरीका होता है वो दूसरे वाला होता है, और सेकंड वाला जो तरीका होता है वो सबसे कॉमन होता है। आप किसी भी कंपनी को कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिक पर काम करता है, उनके एचआर डिपार्टमेंट भी एक अलग होता है, वो डिपार्टमेंट हर किसी कंपनी में देखने को मिलेगा। आप डायरेक्टली उनसे बात करके वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ ज़रूरी चीज़ जो आपके लिए बहुत ही नेसेसरी है। देखो, जब आप कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो तो आप सही टाइम पे रिसीव करने का ऑप्शन चूज कर लो, जो ऑप्शन आपको सूटेबल होगा और आप उस वक्त फ्री होंगे, जिससे ये होगा कि आपका और डिलीवरी बॉयज़ का दोनों का टाइम भी बच जाएगा, और प्रोडक्ट रिटर्न करने का पॉलिसी भी अलग होता है जो आपको उनके वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। सो बेटर ये होगा कि आप रिटर्न जो लड़का डिलीवर करने के लिए आया होगा उनको मत दीजिए, और गाली भी मत दीजिए। रिटर्न का पॉलिसी अलग ही होता है, जिससे आप आसानी से रिटर्न या फिर एक्सचेंज कर सकते हो। मैं और भी बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ ई कॉमर्स कंपनीज को लेकर, जो आपको मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएगा, और हो सकता है तो मैं वो सारे वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन पर मेंशन कर दूंगा। आप वहाँ पर वो सारे वीडियोस को चेक कर सकते हैं। उस वीडियो में खासकर मैं अमेज़न, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील, जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनके सर्विस के बारे में कुछ पॉइंट्स को लेकर आपके सामने प्रेजेंट किया हूँ, जिससे आपको एक कॉमन आइडिया मिल जाएगा कि आपको कौन सी वाली ई कॉमर्स कंपनी से ख़रीदना चाहिए और कौन कौन आपको बेटर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और डिलीवरी बॉय का अर्निंग को लेकर मैं और भी एक स्पेशल वीडियो बनाया था, उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप उसे चेक कर सकते हैं। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसे एक डिलीवरी पर्सन को हमेशा याद रखना चाहिए, जो आगे जाकर हम इस वीडियो पे बात करने वाले हैं। फाइनली मैं आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमेशा जो डिलीवरी पर्सन है उसका रिस्पेक्ट कीजिए। वो लोग आप तक आपका ऑर्डर क्या हुआ है चीज़ पहुँचाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। कुछ पॉइंट्स ऐसे भी है जो एक डिलीवरी बॉय को फॉलो करना पड़ता है, जैसे कि ऑफिस को सही वक्त पर आना, पार्सल एकदम करेक्ट टाइम पर पहुँचाना, कस्टमर से अच्छा कम्युनिकेशन करना। एक दिन में एक डिलीवरी बॉय कम से कम 100 पार्सल डिलीवर करता है। अगर वो ठीक से अपना टाइम को यूटिलाइज नहीं करेगा तो पूरा दिन उसका ऑटोमेटिकली लेट होता जाएगा। फिर भी बहुत सारे प्रॉब्लम के बावजूद वो हमें सही वक्त पर आकर हमारा पार्सल हमें देकर जाता है। एक चीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताना कि आपको कौन सी कंपनी के डिलीवरी बॉय का बिहेवियर अच्छा लगता है। तो आज के इस वीडियो पर मैं आपको डिलीवरी बॉय के बारे में पूरी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ, जैसे कि आप कैसे ई कॉमर्स कंपनी में नौकरी कर सकते हैं आज ए डिलीवरी पर्सन, आपका मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, नौकरी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कौन सी मिनिमम चीज़ जो आपके पास होना चाहिए, ये सारी चीज़ मैं आपको डिटेल्स में बता चुका हूँ। और एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको सारी चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हैं, मैं इंस्टांटली आपका कमेंट के रिप्लाई कर दूंगा। अब बात करते हैं कुछ ज़्यादा ज़रूरी इन्फॉर्मेशन के बारे में जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। वीडियो के ठीक नीचे आपको एक लाइक का ऑप्शन दिखने को मिलेगा, पहले उसे प्रेस कर लेना जैसे वो ग्रीन कलर का हो जाए। फिर उसके नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब आइकन दिखने को मिलेगा, उसे भी कृपया प्रेस कर लीजिए। और फाइनली और सबसे ज़रूरी काम जो आपको करना पड़ेगा वो ये है कि सब्सक्राइब करने के बाद साइड में आपको एक बेल आइकन दिखने को मिलेगा,
उसे भी प्रेस कर लीजिएगा। सब कुछ ख़त्म होने के बाद चैनल एक बार विजिट कर लीजिएगा और जो भी वीडियो आपको पसंद आता है उसे कम्प्लीटली देख लीजिएगा। आज के इस वीडियो पर सिर्फ इतना ही था, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बोला हुआ सारी काम कर लेना।